ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। हर दिन अलग अलग शहरों में पद यात्रा के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किसी न किसी को निशाने पर साधते हैं। नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। प्रशांत किशोर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो इसमें आपको लगेगा कि वो नीतीश कुमार को आसान टारगेट बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अभी भी ये समझते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से ही टकराना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर? प्रशांत किशोर ये भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार हालिया दिनों में, या यूं कहें कि हालिया चुनाव में, भले ही कमजोर हुए, उनकी पार्टी का प्रदर्शन भले ही कमतर रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी राजनीति में इन घटनाक्रमों से उबर कर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। ताजा उदाहरण इस लोकसभा चुनाव को। लेकिन प्रशांत किशोर फिर भी नीतीश कुमार पर ही निशाना साधते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा है। सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का फैक्टर बाहर चला जाए, और प्रशांत किशोर भी इसीलिए बार बार नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतघ्नता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं, और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने। प्रशांत किशोर सिर्फ नीतीश कुमार पर ही निशाना नहीं साधते, बल्कि अपने उन दिनों को भी याद करवाते हैं जब 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जेडीयू के लिए काम किया था। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जेडीयू बाहर हो सकती है, यानी कि चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब हो सकता है। लेकिन उस वक्त प्रशांत किशोर की टीम ने जेडीयू के लिए कैंपेन किया और नीतीश कुमार की वापसी हो गई। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए, और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतघ्नता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग, कम से कम दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि पार्टी का गठन हो जाएगा 2 अक्टूबर को। उसके पहले लगातार बिहार के हर शहर में जाकर प्रशांत किशोर राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारेंगे, साथ ही 2/3 सीटों पर नए उम्मीदवार आपको देखने को मिल सकता है। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के दावे क्या जनता के उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, या फिर जनता फिर से पुराने गठबंधनों पर ही भरोसा जताएगी।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।